देखिए, जब से हमारा पुलवामा में 42 हमारे जवान शहीद हुए थे, तब से लगातार जनता के बीच में एक रोष और एक गुस्से का माहौल था कि हमारे जवान जो इस तरह से जो दुश्मन देश के घुसपैठिए आते हैं और उनको शहीद करके चले आते हैं और हमारा मुल्क उस पर कोई बड़ी कार्रवाई नहीं करता है। इसी के खिलाफ हमने 23 फरवरी को यहीं जीपीओ लखनऊ के अंदर चलो पाकिस्तान का नारे के साथ हम लोग यहाँ इकट्ठे हुए थे, मगर किसी सक्षम अधिकारी ने हमें यह आश्वासन दिया था कि आप ये अपना प्रोग्राम कैंसिल करिए, जल्द ही भारत सरकार कोई बड़ा कदम उठाने वाली है। और मैं उस व्यक्ति का धन्यवाद देता हूँ कि उसकी बात 100% सच निकली और पाकिस्तान आज हमारी आर्मी के जवानों ने पाकिस्तान के अंदर घुसकर हिजबुल मुजाहिदीन और जितने भी आतंकवादी संगठन हैं उनके तमाम ठिकानों को नष्ट किया, 1000 किलो बम उनके घरों के अंदर बरसाया। ये हमें हमारे जवानों ने जो वीरता दिखाई है और जो हमारे देश की लीडरशिप ने अपने आप में जो एक आगे बढ़ के इतना बड़ा कदम उठाया, उसका आज हम लोग स्वागत कर रहे हैं, उसका खादम मकदम कर रहे हैं। इसी खुशी में हम लोग लड्डुआ बांट रहे हैं, खुशी मना रहे हैं और तमाम समाजी संगठन 23 फरवरी के मोहम्मद आफाक साहब, कुजी गुरिल साहब और भी तमाम लोग इकट्ठे हुए थे। और अब हम चाहते हैं कि पाकिस्तान के अंदर घुस के जितने भी आतंकवादी संगठन हैं उनका सबका ऐसे खात्मा किया जाए।